जीआईटी के स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। और टैली की इस क्लास में आज हम जानने वाले हैं कि यदि टैली में हमको अपनी कंपनी पे सिक्योरिटी लगाना हो तो कैसे लगाएं। जी तो अगर जो सबसे पहले हम इसकी सिक्योरिटी की बात करें, तो अगर जो हमारा जो टैली है ना, तो उसपे अगर हमको कोई भी पासवर्ड लगाना है तो उसका दो तरीका होता है। पहला जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, सिक्योरिटी, और दूसरा बोलते हैं एप वैल्यू। ए क्या बोलते हैं? एप वैल्यू। थोड़ा सा ध्यान दें, जब आप सिक्योरिटी में रहेंगे तो आपको क्या होगा कि सिर्फ आपके कंपनी पे पासवर्ड लगेगा। क्या होगा? आपके कंपनी पे पासवर्ड लगेगा। और यदि आप एप वैल्यूएट लगाना चाहते हैं तो एप वैल्यूएट में आपके आपके कंपनी का नाम भी हाइड हो जाएगा, आपके कंपनी का भी नाम दिखाई नहीं दे। तो ये दोनों कैसे आज लगाते हैं, आज की क्लास हम लोग जानेंगे। चलिए सबसे पहले हम ओपन कर लिए अपना कंपनी। जी क्या ओपन कर लिए? अपना कंपनी। अब आप लोग देखेंगे कि लक्ष्मी बिल्डर्स नाम से कंपनी खुली हुई है हमारी। तो फिलहाल हमने इसको क्या किया, शट कर दिया, यानी कि बंद कर दिया अपने कंपनी को। कंपनी मेनू में गए और कंपनी मेनू में जाने के बाद क्या कर दिए, शट। अब ये कंपनी हमारी बंद हो जाएगी ना। अब पुनः हमको ओपन करना है तो लक्ष्मी बिल्डर्स वाले कंपनी पे क्लिक करेंगे, और जैसे हम एंटर बटन दबाएंगे तो देखिए बिना पासवर्ड का ये हो जा रहा है ना। लेकिन हम चाहते नहीं, जब तक ये पासवर्ड नो डालें तब तक ये ओपन नो। तो उसके लिए आपको जाना होगा कंपनी मेनू में। खोला कंपनी मेनू का शॉर्टकट की क्या होता है, ऑल्ट के साथ ये बटन, ऑल्ट के साथ की कंपनी मेनू का शॉर्टकट। आप लोग पहले जिस दिन पहले स्टार्ट किए थे बताए थे कि जिसके सामने सिंगल लाइन दिखाई देगा वो ऑल्ट के साथ प्रेस करना होगा, और जिसके सामने डबल लाइन दिखाई देगा उसको कंट्रोल के साथ प्रेस करना होगा। देखिए ऑल्ट के साथ ये सिंगल दिखाई दे रहा है ना, सिंगल सिंगल अंडरलाइन दिखाई दे रहा, हम किसके साथ दबाएंगे, ऑल्ट के साथ। हम दबाते हैं यहाँ पे और चले गए कहाँ पे, यही पे देखिए आपको आंसर दिखाई देगा, सिक्योरिटी दिख रहा है ना, और जस्ट इसके नीचे टैली वैल्यूएट दिखाई देगा। तो पहले हम लोग जानते हैं सिक्योरिटी क्या है। क्लिक किए तो यहाँ पे कह रहा कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डाटा, कि आप अपने यूजर को कंट्रोल करना चाहते हैं। हम पहले करेंगे यस, तो कहेगा तो यूजर नेम बताइए। तो चलिए हमने समझने के लिए यहाँ पे यूजर नेम भर दिया राम। यूजर नेम क्या भर दिए, पासवर्ड हमको जो भरना है, जैसे हमने यहाँ पे पासवर्ड में टाइप कर लिया जीआईटी, और कंफर्म पासवर्ड में भी टाइप कर लिया यहाँ पे जीआईटी, और एंटर करेंगे। फिर एंटर करेंगे देखिए आप कह रहा है क्या, फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डाटा, क्या कह रहा है, इनसक्सेसफुल, यानी कि जो भी आपका डाटा, यदि आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपका सारा डाटा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, लॉस होगा, फिर दोबारा वो मिलने वाला नहीं। तो आप ऐसे पासवर्ड डालिए जो आप पासवर्ड कभी भूले, एंटर करें। अब जब एंटर करेंगे तो आप कह रहा है ईमेल आईडी भी मौजूद है, तो ईमेल आईडी नहीं है ना, तो आपको यही का ऑप्शन दिखाई देगा नॉन का, इसका एंटर करेंगे। और एंटर करके इसमें बिना कुछ के हम क्या कर लेंगे, इसको कंपनी तो यही है ना। अब देखिए पुनः हम इसको गए कंपनी पे और यहाँ से क्या कर लिए, सर्ट कर। अब कंपनी पुनः क्लोज हो गई है ना। तो क्या इसके पहले यदि हम इसको ओपन कर रहे थे तो ओपन हो जा रहा था ना, लेकिन अब देखिए जैसे हम ओपन करेंगे तो अब क्या मांग रहा है, यूजर नेम और पासवर्ड। तो यूजर नेम हमने क्या भरा है और पासवर्ड क्या भरे हैं, यदि आप गलत भरते हैं देखिए आपका पुनः राम पे चला जाएगा वापस। क्या कहीं फॉरगेट टास्क दे रहा है, तो इसलिए जब भी पासवर्ड भरेंगे तो ऐसा भरेंगे जो कभी भूलने वाला ना। हम पासवर्ड टाइप कर दिए जीआईटी और यहाँ क्या कर लिए, क्या ओपन हुआ कंपनी, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। चलिए अब एक और समझना है ना टैली वैल्यूएट वाला, तो हम एक नया कंपनी बनाते हैं। कहाँ गए, क्रिएट। क्रिएट में जाने के बाद से हम क्या करते हैं यहाँ पे, एक कंपनी बना लेते हैं सिर्फ गायत्री नाम, इस नाम से गायत्री नाम। और गायत्री नाम से बनाने के बाद हम इसको क्या कर लिए, एड्रेस भर दिए पटना, और उत्तर प्रदेश स्टेट टाइप कर लिए, और इसी इतना ही पे कंट्रोल इस क्या कर लिए सेफ। फिर इस कंट्रोल इस क्या कर लिए, इसके फीचर्स को एक्स। अब देखिए गायत्री नाम से कंपनी बन गई है ना, तो हम पहले ये लक्ष्मी बिल्डर्स वाले को यहाँ से कर देते हैं सर्ट कंपनी। बस कौन खुला है, अब इसे हमको टैली वैल्यूएट लगाना है, बस हम क्लिक करेंगे कंपनी मेनू में और कहाँ पे आएंगे टैली। देखिए आप कह रहा है क्या यही रहेगा, नाम यही है ना, हम बोले कि हाँ। कह रहा पासवर्ड बताइए, जो पासवर्ड चाहिए जैसे हम 1 2 3 टाइप कर दिए इस बार, और क्या किए कंफर्म में 1 2 3।
और इंटर, एक्सेप्ट कर लेंगे ना, एक्सेप्ट, फिर हम यस करेंगे यस। तो जैसा हम यस कह रहा है कि डू यू वांट टू क्रिएट ए कंपनी, आप एक नया कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं, हम कर देंगे यस। अब जैसा हम क्रिएट किए थे, आप कह रहा है कि आपकी कंपनी का नाम यही है, देख लीजिए कितना दे रहा है 10,004। कंपनी का नाम अब क्या चेंज हो आ गया है 10,004, तो क्या आप कंपनी का नाम दिखाई देगा आपको? अब क्या मांग रहा है? टैग वैल्यू 1, 2, 3 और इंटर। अब ओपन हुआ है ना। हाँ चलिए हम इसको भी सेट करते हैं यहाँ से। और कहाँ गए हम? अब देखिए ये कंपनी का नाम अब आपको दिखाई दे रहा है, कोई नाम दिखाई दे रहा है कंपनी का? ओपन कर क्या मांग रहा है? पासवर्ड क्या टाइप किए हैं? 1, 2, 3 और इंटर कर दी। तो अब देखिए वही कंपनी ओपन हुआ हो जाएगा। तो दोनों माध्यम से आपको टैली पे कंपनी पासवर्ड लगाना और सिक्योरिटी तो लग जाएगा ना, चाहे सिक्योरिटी के माध्यम से और चाहे टैली वेरिफिकेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? तो आज आप लोग ये सिक्योरिटी लगाइएगा और प्लस हमने हमने जो आपको ट्रांजेक्शन दिया वो ट्रांजेक्शन की एंट्री करिएगा। और अगली क्लास हम लोग जानेंगे कि अगर जो आप सेल करते समय अपनी कंपनी का लोगो लगाना चाहते हैं तो कैसे लगाएं। क्लियर है सबको? तो आज के लिए बस इतना।